हेलो गाइस, दिस इज द एडिटोरियल फॉर कोर्सशेफ लॉन्ग चैलेंज 2020। सो प्रॉब्लम नेम इज शेफ एंड प्राइस कंट्रोल। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज शेफ हैज एन आइटम्स इन हिज शॉप नंबर 1 to n। फॉर द ईच वैलिड आई द प्राइस ऑफ द आयथ आइटम इज PI। सिंस शेफ हैज अ वेरी लॉयल कस्टमर्स, all n items are guaranteed to be sold regardless of their price. However, the government introduced a price ceiling K, means आपका जो प्राइस है वो K से ज्यादा नहीं हो सकता. Okay, which means that for the item I such that PI is greater than K, its price should be reduced from PI to K. Means अगर किसी का भी प्राइस K से ज्यादा होता है तो आपको उसको K consider करना है. Okay, so chef's revenue is the sum of price of all the items he sells. So find the amount of the revenue which chef loses because of this price ceiling. Okay, so सबसे पहले आपको T input लेना है, then N and K, फिर number of price जो कि N होंगे आपके. So आपको first test case given है 5 and 4, N की value 5 है and उसके according 5 elements का price पहले का 10, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो सबसे पहले आपको ओल्ड रेवेन्यू निकालना है. ओल्ड रेवेन्यू आपका है, सबका सम ले लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 अगर मैं सबका सम लेता हूं. और न्यू रेवेन्यू कैसे निकलेगा कि आपको क्या करना है, जो भी प्राइस के से ज्यादा है वहां पर आपको के कंसीडर करना है. के यहाँ पर 4 है, सो यहाँ पर जैसे 10 4 से ज्यादा है तो यहाँ पर मैं 4 कंसीडर करूंगा. 2 को ऐसे ही रहने देना है, 3 भी एंड 4 भी, अगेन 5 भी ज्यादा है 4 से तो यहाँ पर फिर से मैं 4 कंसीडर करूंगा. एंड न्यू रेवेन्यू आपका निकल आएगा इसका टोटल सम करने से. ओके, सो इसका टोटल सम करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 17. और आपको लॉस निकालना है तो लॉस के लिए सिंपल, आप ओल्ड रेवेन्यू में से न्यू रेवेन्यू माइनस कर दो, सो इससे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, एंड सेकेंड टेस्ट केस में भी ऐसा ही है, के की वैल्यू 15 है, सो कोई भी वैल्यू के से ज्यादा नहीं है, सो इसका आंसर 0 होगा. एंड सिमिलरली फॉर दिस टेस्ट केस. ओके, so let me show you the code for this. So this is the code for this. सबसे पहले आपको T test case input लेना है. LL का means यहाँ पर long long है, मैंने hash define में LL को define कर रखा है. And while loop T times, then आपको N and K की value input लेनी है और array जिसमें आप price store करोगे items के. For loop आपने array में input ले लिया, then मैं sum निकालूंगा, sum is equal to 0. एंड अगेन फिर मैंने सम कर लिया पूरे एलिमेंट्स का, फिर से मैंने सेकेंड सम निकाला. ओके, सेकेंड सम में मुझे बस इतना करना है कि जब भी मेरा ए आर ऑफ आई के से ग्रेटर होता है तो मैं ए आर ऑफ आई एड नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं के एड कर दूंगा एंड बाकी आपका सेम ही रहेगा. और लास्ट में आपको क्या करना है, सम माइनस सेकेंड सम, इससे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल. दिस वॉज एन इजी प्रॉब्लम ऑफ दिस लॉन्ग चैलेंज. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग.